आज का हमारा टॉपिक है प्यार और बर्दाश्त। हम लोग कितना प्यार से बात करते हैं और हमारे में कितनी बर्दाश्त है, ये हम सबको एक दूसरे से सवाल करने की बजाय खुद से सवाल करना चाहिए। हमें बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया है और प्यार कहीं खो सा गया है, ढूंढने से भी नजर नहीं आता। जबकि इस कायनात का वजूद ही इसलिए मेरे ख्याल में वजूद में आया, ये कायनात इसलिए वजूद में आई ताकि हम मोहब्बत, भाईचारगी और प्यार के साथ रह सकें। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि इस दुनिया के अंदर हजारों खरबों सैयारे हैं, सितारे हैं, मगर हमारी ज़मीन अर्थ एक वाहिद ऐसा सैयारा है जहाँ पर इंसान पाया जाता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि हर इंसान किस कदर कीमती है, हमें एक दूसरे की कितनी कदर करनी चाहिए। और कितना अफसोस का मकाम है कि हम एक दूसरे को ही रोंदने में पहल करने को तरजीह देते हैं। ये छोटी सी बात अगर हम समझ लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए कि हर इंसान बहुत बेशकीमत है, उसकी कदर करें और उसकी इज्जत करें। हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद है बहुत ही प्यारी शख्सियत हसन बिन खुर्शीद साहब, जिनको हमेशा मैं हसन भाई कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मेरी जानिब से आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक और अल्लाह पाक इस दिन की बरकत रहमत हम सब पर नाज़िल फरमाए। बेशक, इलाही आमीन। हसन भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा आज का ये टॉपिक है कि प्यार और भाईचारगी, ये कहीं खो से गए हैं। आप अपने सर्कल में जब मूव करते हैं, सच सच बताइएगा, बदले में कितना प्यार पाते हैं और कितनी नाराजगियाँ? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम, और कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये सिर्फ दिखावे का प्यार है, इसमें कहीं पर भी सच्चाई नजर नहीं आती? बिल्कुल, हम खुद गर्जी हमें इतनी ज्यादा हो गई है कि हम अपनी जात के मकासद के लिए किसी के साथ अगर प्यार का इजहार भी कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा झलकता है कि हम अपना मतलब उसमें जाहिर हो रहा होता है, तो वो बिल्कुल दूरी हो गई है, वो खो गया है वो प्यार जो हमारे बुजुर्गों से हमने देखा, जो बेलॉस था, जो बगैर किसी मकसद के था, जो उन्होंने हमारे वालदैन में ट्रांसफ़र किया, उनसे हम तक भी पहुंचा, लेकिन हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे पा रहे जिस तरीके से हमें देना चाहिए। जिस तरह हमारे दीन इस्लाम हमें बताता है कि हमें भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, यगानगत के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, एक एक के साथ, फर्दन फर्दन हमें किस मोहब्बत के साथ रहना है, वो जो हम उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। और जैसा कि आपने कहा कि हमें भी बिल्कुल वो महसूस होता है, और क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है लोगों से महफिल के थ्रू में और प्रोग्राम्स के थ्रू, तो बिल्कुल उस चीज़ की कमी महसूस होती है। और दुआगो रहते हैं कि अल्लाह पाक इस जज्बे को जो था हकीकी मानों में है वो हमें कायम करे। चलें, जब तक हमारी ज़िंदगी, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके प्यार ही प्यार की खुशबू फैले हमारी बातों से, हमारे अमल से, हमारे मिलने जुलने से, हमारी ट्रांसमिशन के ज़रिए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। पढ़िए सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मोहम्मद, हमने तो मान ही लिया आप है हुस्न कायनात, गैर विमान जाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। एक दुआ अल्लाह पाक इस पाक दिन के सदके में हमारी
दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। काश मैं दौरे पयोबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पयोबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और खाक वो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, हक को खाके मदीना में मिलाया जाता, हक को खाके मदीना में मिलाया जाता, और काश ए काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मुबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मुबर में लगाया जाता, और अपने हजरत आल शेर पेश कराऊं कि बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता, काश मैं दौरे पयोबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। जज़ाकअल्लाह, सलामत रहे हसन भाई, बहुत 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 खूबसूरती से आपने इतना खूबसूरत हदिया पेश किया, सलामत रहे।